संसद भवन के सेंटर हॉल में एनडीए की बैठक आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार चुना गया एनडीए संसदीय दल का नेता। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने जताया आभार, कहा विकसित भारत बनाने की ओर रहेंगे प्रयासरत। यूजीसी नीट 2024 के परीक्षा परिणाम आने पर परीक्षार्थियों ने लगाया गड़बड़ी का आरोप, 67 विद्यार्थियों को 720 में से 720 अंक मिलने पर उठे सवाल। दिल्ली में भारी जल संकट के बीच लोगों को टैंकरों के माध्यम से मिल रही आपूर्ति, स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप। देश के दक्षिणी इलाकों में मॉनसून की दस्तक, वहीं उत्तरी राज्यों के इलाकों में तेज धूप बरकरार। भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच हुई वार्ता, दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा चुनौतियों पर साझा किए विचार। मई महीने में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 5.1% बढ़ी, यात्रियों की संख्या बढ़कर हुई 13.89 करोड़। इजरायली सैनिकों ने गाजा में की एयर स्ट्राइक में 3 दर्जन से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। T20 विश्व कप में आज आयरलैंड और कनाडा होंगे आमने सामने, दोनों टीमों के बीच अब तक रहा बराबरी का रिकॉर्ड।